मध्य प्रदेश के शिवपुरी में दो मासूम बच्चों की पीट पीट कर हत्या करने के मामले में अब सियासत भी गर्माती नजर आ रही है। जहां बीजेपी इस मामले को लेकर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है, पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इसे पीड़ादायी प्रसंग बताते हुए कहा कि जिस दिन से कांग्रेस की सरकार बनी है, अपराधियों में कानून का भय खत्म हो गया है और सरकार ट्रांसफर और पोस्टिंग में लगी हुई है, इसलिए कानून व्यवस्था पर ध्यान नहीं दे रही है। वहीं कानून मंत्री पीसी शर्मा ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि यह हृदय विदारक घटना है, दोषियों को कड़ी सजा मिले। इसके साथ उन्होंने कहा कि वह लॉ डिपार्टमेंट से कोशिश करेंगे कि मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले और दोषियों को फांसी की सजा मिले। बहुत पीड़ादायी प्रसंग है वो, जिस दिन से सरकार बनी है कानून का भय लगभग समाप्त हो गया है। देखिए, इसकी शुरुआत 17 के दो मासूम बच्चों के अपहरण और मेरे विधानसभा में उठाने के बाद भी उस पर ध्यान न देना और दो बच्चों की लाश मिलना से इस शिवपुरी की घटना तक है। जब ट्रांसफर और पोस्टिंग में पैसा चलेगा तो रिचार्ज पर ज्यादा चिंता होगी कि रिचार्ज कराया जाए, और इसलिए जो रखवाले हैं उनका ध्यान रिचार्जिंग पर रहता है, इस बात पर नहीं रहता है कि कानून व्यवस्था को सुधारें, जिसकी परिणति पूरे प्रदेश में आ रही है। तौर पर बहुत ही हृदय घटना है, भावना करते हैं, इसकी निंदा आदरणीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने की है। उन्होंने कहा है कि कठोर से कठोर सजा दोषियों को दी जाएगी, पकड़ लिए गए हैं और हम कोशिश करेंगे लॉ डिपार्टमेंट से कि फास्ट ट्रैक में ये चले और उनको फांसी मिले।